हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एम प्रो सेट का वीडियो। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, मेरे पास ये एम प्रो 1800 वाट एम्पलीफायर है, जो कि मैंने आज से 7-8 साल पहले ख़रीदा था। और ये बहुत ही डीजे के में बहुत ही कारगर साबित होता है ये एम्पलीफायर। ये देखिए, इसके यहाँ पे फैन लगा हुआ है बड़ा सा, और एम प्रो का यहाँ पे मेंशन किया गया है, और 2 चैनल प्रोफेशनल एम्पलीफायर। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, ये बिना एमसीबी वाला है। आप भी जो एम्पलीफायर आते हैं उसमें एमसीबी वाला स्विच लगा होता है। और ये इसका मॉडल है M1800E। और ये इसका सिग्नल वॉल्यूम, ये देखिए, ये यहाँ से 8 डिग्री से लेकर 8 dB से लेकर ये 32 तक आपको सिग्नल है जो बूस्ट करके देगा। और ये इसका दूसरा चैनल का वॉल्यूम जो भी, और ये देखिए, ये एक्टिव, जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेंगे, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट, इसके बाद में ये सिग्नल का, और ये क्लैप का। तो ये क्लैप का जो इंडिकेटर है, ये ज़्यादा सिग्नल आने पर इसको आपको यहाँ पे ब्लिंक करेगा तो आपको बता देगा। और ये इसका दूसरे चैनल का फ़ैन, और ये इसके हैंडल जो कि काफ़ी मजबूत है। और ये जो किस किस के पास है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो बताना किस किस के पास ये एम्पलीफायर है, और उसने कब ख़रीदा था और कितने का ख़रीदा और कहाँ से ख़रीदा था वो भी बताना, और किस किस के पास कहाँ कहाँ पर है। तो ये एम्पलीफायर है जो डीजे के काम में, अभी जो ये है जो पूरा एकदम से सोने की तरह साबित हो रहा है। आप इस पे 4 टॉप चला सकते हो और 2 बेस चला सकते हो इमरजेंसी में, बाकी ये आपको पर चैनल पे 900 आउटपुट देगा, 4 ओम्स पे, सॉरी 8 ओम्स पे, और 4 ओम्स पे गट पावर देगा, और 2 ओम्स पे आपको पूरा पावर ही जो आपको मिलेगा। पीछे से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, पीछे से क्या क्या सॉकेट और क्या क्या इसमें लगा हुआ है। और मेरे पास तो ये सेट है, मैंने इसको बहुत चलाया है, जैसे कड़ी धूप में हम इसमें मोबाइल डीजे बना के इस पर 1 बेस और 2 टॉप, 18 इंची बेस और 2 टॉप, 650 वाट के 2 टॉप, यानी कि 1200 वाट का 1 टॉप हो, 2 टॉप हो गए, उसमें 300 वाट का स्पीकर और 50 वाट का हाइस लगा होता था, वो वाला हम इस पे चलाते हैं। तो हमको तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, धूप गर्मी ठंड जैसा भी हो ये इसको कुछ नहीं होता। मान के चलिए अभी ये रेगिस्तान का ऊंट है तो उसकी तरह ये काम करता है। और किसी किसी के पास ही अभी ये है, मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ इसका कैसे है और क्या क्या स्विच वगैरह कहाँ से वायर वगैरह लगती है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम इसके पीछे वाले हिस्से पर आ गए हैं। तो इसका ये देखिए, एक इसका वायर है जो वो हमने डाला था, वो भी यहाँ से किसी वजह से कट गया था, चलता था लेकिन हमने इसको बदल दिया, चेंज कर दिया, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो इसलिए। तो ये इसका जो आगे वाला फ़ैन था वो यहाँ से बेक में जो इसकी हीट है वो यहाँ से निकालेगा, और ये इसका यहाँ पर वायर आ गया, और ये यहाँ का इस पर फ्यूज़ आ गया, और ये यहाँ पे इसका सॉकेट जिस पे आप यहाँ से ये देखिए सीधा इसमें आप वायर लगा सकते हैं। और ये जो है 2 चैनल का, यानी कि बी, और ये इसका ए चैनल का। तो ये इसका ब्रिज मोड है, ये देखिए प्लस प्लस, इसका जो ऊपर वाला है वो प्लस में होगा, और ये जो नीचे वाला लाल है वो आपका माइनस में होगा अगर आप इसको ब्रिज मोड पर चलाते हैं। ध्यान से सुनिए फ्रेंड, अगर आप इसको ब्रिज मोड पर चलाते हैं तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला इसका माइनस होगा, तो यहाँ पे आपको पूरा एक चैनल से 1800 वाट आउटपुट मिलेगा और दूसरे से कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो इस चैनल में आ जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे स्पीकर लगाया गया है जो कि यहाँ को ये बी चैनल का और ये इसका ए चैनल का। तो ये देखिए वायर आपको किस तरह से लगाना है, इसमें मेंशन किया हुआ है प्लस वाला 1 प्लस में और माइनस वाला -1 में। ये देखिए दूसरे का भी आउट, बी का भी ऐसे सेम दिया गया है जो भी प्रोसीजर। और ये इसमें लिया गया बिल्ट इन 110 हर्ट्ज़ क्रॉसओवर
सब बूफर एक्टिव, वो इसमें एक्टिव सब बूफर और क्रॉस और दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और इसका फंक्शन जो कि आपको इसको ग्राउंड पे रखना है, यहाँ पे ग्राउंड पे मैंने किया हुआ है। और ये इसका सेंसिटिव, जैसे कि आपने, मैंने पहले चैनल वीडियो में बताया था इसका जो काम है वो क्या होता है, अगर वो नहीं पता तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सेंसिटिव का ये बटन है, अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको जब आप वॉल्यूम खोलोगे तो कम वॉल्यूम में आपको फुल वॉल्यूम मिलेगा, अगर यहाँ पे कर दोगे तो फुल वॉल्यूम पर जाके आपका पूरा वॉल्यूम खुलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना है 0 पॉइंट यहाँ पे। तो ये आ गया नीचे वाला, तो ये इसका 4 ओम्स और 8 ओम्स पे है। जैसा मैंने बताया 4 ओम्स पे हम इसको चलाते हैं, तो 4 ओम्स पे ये अच्छी पावर देता है, वो आप अपने स्पीकर के हिसाब से इसको कर सकते हैं जैसा भी हो। और ये इसका आ गया मोनो यानी कि मोड, यानी कि इस पे अगर आप चलाओगे ब्रिज मोड पे तो इधर करना पड़ेगा बटन ब्रिज मोड पे, फिर ये अगर आप ब्रिज मोड पे करोगे तो इन दोनों में आपको आउटपुट मिलेगा। और नीचे इसका जो मोनो पे करोगे तो यहाँ पे आपको एक वायर लगाना पड़ेगा, लीड लगाना पड़ेगा, वैसे दोनों में आपको आउटपुट कर सकते हैं, लिंक हो जाएगा। और स्टीरियो पे अगर करोगे तो 1 चैनल का अलग से और दूसरे चैनल का अलग से, आपको चैनल 1B में 2 आउटपुट इनपुट्स लगानी पड़ेंगी, फिर आपको 2 आउटपुट्स मिलेंगे। और उसके बाद में ये आ गया क्रॉस ओवर, इसके हर चैनल में क्रॉस ओवर है, ये देखिए क्रॉस ओवर चैनल 1। तो देखिए मैं नज़दीक से थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए इसको आप हाई पे करोगे तो आपका बेस है जो वो कट हो जाएगा, और अगर लो पे करोगे तो इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो आपका कट हो जाएगा, सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी में काम करेगा। और बीच में रखोगे तो जैसा आपको आउटपुट आ रहा है वो ही आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। और ये इसका जो सिग्नल दिया गया है, इसमें आउटपुट लगाने के लिए कौन से वायर को कहाँ से आपको प्लग करना है, कौन कौन सी कैसे करना है, ये देखिए हॉट ग्राउंड कोल्ड कौन कौन सा है, और इसी तरह से इनपुट बैलेंस और अनबैलेंस करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए लिंक्स यहाँ पे लिए, देखिए लिंक्स लिखा हुआ है। और ये इसका दूसरे चैनल का क्रॉस ओवर, और ये यहाँ पे इसका एम प्रो का जो मेंशन किया हुआ है वो वाला। और उधर आ जाइए, ये इसका इनपुट XLR, और ये इसका दूसरा इनपुट XLR यहाँ से लगेगा। और ये जो माइक वाली, सिंपल भाषा में बता दूँ, माइक वाली जो होती है वायर, वो वाला लीड इस पे लगा के आप स्टीरियो और मोनो ब्रिज मोड दोनों पे, आप तीनों पे इसको चला सकते हैं। और ये यहाँ पे दूसरा फ़ैन जो आ गया दूसरे चैनल का हीट निकालने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।